यार क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो, आज की वीडियो को देखकर आप यही कहोगे कि देश संकट में है। और यहाँ पर देखो यार, 5-5 साल के बच्चों की शादी हो रही है। मित्रों यहाँ पर बड़े बूढ़े हो चुके हैं, उनको यार दुल्हन भी नहीं मिली। यार दुल्हन छोड़ो, एक सेटिंग भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर देखो यार, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे शादी कर रहे हैं। और यार कुछ ही टाइम बाद इन बच्चों के भी बच्चे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि एक बच्चे को उल्टी आ गई, मतलब कि यार बच्चा होने वाला था। आप यकीन नहीं कर रहे थे यार, उनके मुंह से ही आप सुन लो, सुनो ये क्या बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी मेरे प्रेगनेंसी का 4th महीना चल रहा है। ये तो होना ही था। और ये 3 तारीख को मेरे प्रेगनेंसी का 5 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी रिद्धि मम्मी बनने वाली है। तो अभी हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले। क्या करें यार, देश संकट में है। एक बार माँ का मुंह देखो और बाप का मुंह देखो यार, जे माँ बाप बनने वाले हैं। 14-14 साल के बच्चे यार बोल रहे हैं कि 4 महीने हो गए अबे। मित्रों भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तो ये वाले वीडियो पे प्लीज कोई गलत कमेंट मत करना। यार बोलते हैं कि गलत कमेंट मत करना बे। 14-15 साल के बच्चे, इनको 5वां महीना लग गया और बोलते हैं कि गलत कमेंट मत करना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यार मुझे ये समय में नहीं आता कि इनके माँ बाप यार कुछ नहीं बोलते। बोलते हैं कि हमारे बच्चों के बच्चे होने वाले हैं। वो यही बोलते होंगे कि सुनो सुनो सुनो, हमारे बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, 4th या 5वां महीना लग चुका है। बाकी यार इनके माँ बाप की और इनकी मर्जी, इनको अच्छा लगता है तो करे, हमें क्या। यार हमें तो इन पर गर्व होना चाहिए यार, छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं। इसलिए मित्रों शाबाश मुन्ना, लगे रहो, जय माता दी। और यहाँ पर देखो यार, दो निब्बा निब्बी लड़ रही हैं सिर्फ लड़के के लिए। ये क्या बोल रही है यार, ध्यान से सुनना, सुनो आप। एक मिनट एक मिनट, मेरा बंदा है ठीक है ना, मैं तुमको पैसे नहीं चाह रही। मेरा बंदा 3 साल से डेट कर रही उसको मैं। तो 3 साल से 4 साल से मैं डेट कर रही हूं। कहां से डेट कर रही है, 3 साल से मेरे साथ रह रहे हैं वो। कैसे बात हो गया, ओए पूत से इधर आजा, मेरा बंदा है वो, मेरा बंदा है वो। यार खुद बच्चे हैं, खुद बच्चियां हैं और बोलती हैं कि मेरा बंदा वे। क्या बोल रही है ये, पता नहीं यार इनके बंदे ने कौन सा चक्कर चलाया है, जो दो लट्टू हुई पड़ी हैं। वो बोलती है कि मेरा बंदा है, वो बोलती है कि तुम्हारा नहीं, मेरा बंदा है। अरे अरे मित्रों टेंशन मत लो यार, दुखी मत हो यार, आपके साथ भी जरूर सेटिंग होगी। बस आप कोशिश जारी रखो, क्योंकि मित्रों भूख लगने पर खाना खाना है और बगल वाली पिंकी को पटाना है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यार एक तरफ देखा हमने कि यार कितने निब्बा निब्बी पागल हुए पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर देखो यार इस बच्चे को पढ़ना है। देखो यार क्या क्या बोल रहा है। तुम अपने पिताजी का शिकायत किए थे कि तुम्हारे पिताजी दारू पीते हैं और तुमको नहीं पढ़ाते हैं, तो इस पे क्या करना चाहते हो? इस पे हम यही करना चाहते हैं कि अगर कानून उनको सजा देने के लिए तैयार है तो वो भी हमको मंजूर। लेकिन तुमको पढ़ना है। हाँ लेकिन हमको पढ़ना है, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पिता को बने जेल में सब दिन के लिए डाल दीजिए। हमको पिता के प्रति प्यार है, लेकिन कानून के वो बंधन में भी बंधे हुए, हम भी बंधे हुए। पिताजी भी बोलते होंगे कि हमारा मुन्ना तो बहुत तेज निकला, सच में यार ये बच्चा कुछ बड़ा कारनामा जरूर करेगा। तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? नहीं, अगर छोड़ा ना तो मैं बहुत रोऊंगी। अब तुम आखिरी बार कब रोओगी? जब अपना घर छोड़कर मेरे घर आओगी। यह देश बदल रहा है। बस यार बस अब यही देखने को तो बाकी रह गया था। मैं तो कहता हूँ कि कोई ऐसा कानून लाओ जिसके तहत तो बच्चे सेटिंग ना कर सके मित्रों, और मित्रों बगल वाली पिंकी को भी ना बता सके। तो चलो यार मित्रों बहुत हुआ, आप हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, है ना। सब्सक्राइब बटन को काला कर दो यार, उखाड़ फेंको।